तो गाइस क्या आपकी भी फोन की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है, खासकर जब आप कोई गेमिंग करते हैं। तो गाइस इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसके पीछे के कारण क्या है, तो उसी के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और वीडियो की तरफ चलने से पहले आप अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हैं टेक माहौर। तो वह सबसे पहला कारण है जो बैटरी ड्रेन करता है, वो है आपके फ़ोन का एक वॉलपेपर। तो वैसे इसमें आपको देखिए अभी फ़िलहाल में आपको तीन टाइप के वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सॉलिड कलर वॉलपेपर, फिर उसमें कलरफुल वॉलपेपर और तीसरे होता है लाइव वॉलपेपर, जो कि लाइव होता है सब कुछ, यानी कि एक वीडियो ही होता है। तो अगर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइव वॉलपेपर की, तो क्या जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको लाइव वॉलपेपर दिखता है और इसमें आपको एनिमेशन भी दिखते हैं, इसकी वजह से आप इसमें ना आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कलरफुल की, तो इसमें आपको लाइव से थोड़ा कम बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कलर देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक सॉलिड वॉलपेपर रखते हो तो इसमें आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा बैटरी ड्रेन, क्योंकि इसमें आपको एक ही कलर देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो आप क्या करिए, ब्लैक वॉलपेपर का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको पिक्सल्स डाउन हो जाएंगी और इसकी वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा सेव होगी। तो भाई जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है, वो है एक नेटवर्क। क्योंकि आप एक परफेक्ट नेटवर्क नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फ़ोन नेटवर्क कैच करने के लिए एंटीनास को बार बार ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है। अगर आप एक बहुत परफेक्ट नेटवर्क का यूज़ करोगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो सकती है। तो तीसरा कारण जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है, वो है एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में। आपके फ़ोन में आपको ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जिससे आप यूज़ भी नहीं करते होंगे, आप मतलब हफ्ते में या फिर महीनों में एक आधी बार इसे ओपन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उस एप्लीकेशन को आपको ढूंढना है, उसे दबा के रखना है और उसके अबाउट को खोल लेना है। जब उसके एप्लीकेशन के इन्फो को खोल लोगे ना आप, तो उसमें आपको फोर्स स्टॉप देखने को मिल जाएगा, या तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे फोर्स स्टॉप करके उसका फोर्स जो होता है उसे आप स्टॉप करके अपनी बैटरी बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट, अगर आप कोई गेमिंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग इशू देखने को मिलता होगा आपको बैटरी का, और इसी के साथ साथ आपको हीटिंग इशू भी इसमें देखने को मिलते होंगे, क्योंकि आप उसे हाई सेटिंग्स पर गेम प्ले करते हैं, उसके कारण आपका बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको मीडियम या फिर लो सेटिंग्स पर आपको गेमिंग करनी है, इसके कारण आपको क्या होगा कि फ़ोन हीट भी होता हुआ नहीं दिखाई देगा और आपकी बैटरी जो ड्रेन है वो लेवल कम हो जाएगा। तो इस पांचवी टिप, अगर अपने फ़ोन की बैटरी को आप ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो आप एक वाईफाई का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके अगर आप वाईफाई का यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेविंग देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नेटवर्क से कितना ज़्यादा आपका बैटरी ड्रेन होता है। तो भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रेनिंग इशू बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है कि आजकल आपको मिड रेंज फ़ोन में भी आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, इसके वजह से आपको बैटरी ड्रेनिंग इशू बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लगभग उसे आप ऑफ़ कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको बैटरी सेविंग बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जो नेक्स्ट कारण है जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, वो है आप अपने फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस, फिर उसके बाद में आप अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन रखते हो, ब्लूटूथ ऑन रखते हो और ऑटो अपडेट रखते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती है, तो इसे आप टर्न ऑफ कर देना। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप अपने फ़ोन की बैटरी कैसे सेव कर सकते हैं और आपका कारण क्या होता है कि जिसके वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए या फिर आज मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं आपको मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।